और आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीट्स और इस साल की थीम कहती है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड और मेरी यही दुआ परवरदिगार से है कि हमारे कश्मीर के भी जो बच्चे हैं ना उनका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट हो जितना कि शायद दुनिया की किसी भी ऐसी कंट्री में जो पीसफुली है इस टाइम पे नोइंग द फैक्ट दैट हमारे कश्मीर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे जा रहे हैं स्पेशली हमारे कश्मीर के जो बच्चे हैं दे हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ टर्मोइल अराउंड देम सो होपिंग दैट दे ऑल्सो गेट अ बेटर फ्यूचर इन देयर लाइफ और आज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर ही इज अ 12 ईयर ओल्ड यंग कश्मीरी बॉय एंड डेफिनेटली ही सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर किड्स इन द वैली अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो टुडे वालेकुम सलाम थैंक यू एंड सबसे पहले तो आपको हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे थैंक यू सो शुरुआत ऐसे करती हूँ आपके साथ कि अ बुक ऑफ पोएम्स नो प्लेस फॉर गुड देन अ स्क्रिप्ट फॉर द फिल्म आश विच वॉन द सेकेंड पोजिशन इन रील टू रियल नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन एंड यू आर डेफिनेटली सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल इनफैक्ट अ हायर एग्जाम्पल फॉर द अदर किड्स आउट देयर सो क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में वॉट इज इंस्पायरिंग यू फॉर ऑल दिस एक्चुअली मेरी जो किताब पब्लिश हुई है उसके बाद फिर जो मेरे टीचर्स और बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनको ये बिलीव हो गया कि मैं अच्छा लिखता हूँ मैंने जो किताब लिखी थी उसी की वजह से फिर मुझे आगे जाके लोग यू नो एज अ राइटर देख रहे हैं और इसीलिए अगर कोई मूवी या कोई पोएट्री या वैसा कुछ लिखना होता है वो मुझे ही देते हैं खुदा का शुक्र है मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली लोग सोचेंगे कि अब्दुल्ला अच्छा राइटर है और फिर मेरा पूरा स्कूल मुझे मोटिवेट करेगा एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए वंडरफुल सो क्या इंस्पायर कर रहा है आपको इज इट जस्ट द मोटिवेशन दैट दे आर गिविंग यू और देयर इज समथिंग एल्स एज़ वेल मुझे बचपन से लिखने का शौक था उनकी मोटिवेशन के साथ साथ मैं बाकी ऑथर्स को देखता हूँ स्पेशली आगर शाहिद अली मैं उसके ज्यादा वर्क्स अभी पढ़े नहीं है पर आई एम वेरी इंस्पायर्ड और वैसे भी वो कश्मीर का ही है तो थोड़ा कनेक्शन जैसा लगता है बाकी मैं जितना पढ़ता हूँ लोगों का उतना मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है जैसे मैं अपनी मदर का जो उसका वर्क है वो पढ़ता हूँ प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद उसका वर्क पढ़ता हूँ मुझे एक इंस्पिरेशन उनसे मिलती है कि ये इतनी अच्छी राइटिंग करते हैं मुझे खुदा ने टैलेंट दिया राइटिंग का मैं भी क्यों ना ऐसे लिखूं वंडरफुल सो अब्दुल्ला का सफर कैसा रहा इस पैंडेमिक में इस बारे में भी उससे बात करेंगे थोड़ी ही देर में बने रही 92.7 बिग एफएम पर धन बदल के तो देखो हमारे साथ हैं अ यंग कश्मीरी बॉय फ्रॉम चांदपुरा अब्दुल्ला बिन सुपैर सो मुझे बताओ अब्दुल्ला इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years इन कश्मीर के स्कूल्स यहाँ पर बंद रहे हैं एंड स्टूडेंट्स जितने भी हैं घर पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं जो एक मजा होता है स्कूल जाने का दोस्तों से मिलने का टीचर्स की डांट का वो सारा मिसिंग हो चुका है फ्रॉम लास्ट 2 years इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट आपके लिए ये कैसा रहा हाउ हैव यू डेल्ट विद द पैंडेमिक पैंडेमिक में मैंने नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारी है ऑनलाइन क्लासेस होती थी कभी मन लगता था कभी मन नहीं लगता था पैंडेमिक में बस हमें क्या था हमें क्लास होती थी होमवर्क होता था लंच करने के बाद फिर या तो कुरान वुरान पढ़ते थे या बाकी रिवीजन करते थे आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं उसके साथ बिजी हूँ पैंडेमिक में सबसे ज्यादा एक मुझे एक अच्छी चीज लगी माना कि इसके बहुत सारे कॉन्स हैं हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सोशलाइजेशन खत्म हो चुकी है एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है पर मुझे एक अलग से एक राइटिंग के लिए टाइम मिला नहीं तो पहले मुझे लगता था मुझे प्रेशर नहीं तो संडे को ही मैं बस दिमाग खोल के लिख सकता हूँ आजकल मुझे उतना टाइम मिल रहा है कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ वो एक चीज थी बिल्कुल एक बुक तो लिख ली है एक मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख ली है अब्दुल्ला ने अब आगे क्या इस बारे में भी बात करेंगे बस थोड़ी ही देर में बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर धन बदल के तो देखो हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से जिन्होंने अभी तक एक बुक लिखी है एंड दैट बुक इज फुल ऑफ पोएम्स एंड ही इज आल्सो रिटन अ स्क्रिप्ट फॉर अ फिल्म कॉल्ड आश सो मुझे एक बात बताओ अब्दुल्ला के नाउ दैट यू नो दैट यू आर अ गुड राइटर और आपको एक्नॉलेज भी किया गया है सारी जगहों से व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट हैव यू केप्ट एनीथिंग इन माइंड कि एक नई बुक लानी है विद सच अ थॉट विद सच एन इंस्पिरेशन टेल अस समथिंग अबाउट दैट एक्चुअली जब मेरी ये नो प्लेस फॉर गुड लॉन्च हुई उसके एक हफ्ते बाद मैंने सोचा कि मैं एक नई किताब लिखूंगा और इस बार मैं कुछ अलग करूंगा फॉर एग्जांपल मैं पोएट्री लिखता हूँ आज मैं इस बार प्रोज लिखूंगा पर मैंने ये नोटिस किया कि मुझे प्रोज अच्छे से उतना लिखना नहीं आता है टाइम लगता है पोएट्री फ्लो में निकलती है तो इंशाल्लाह एक और किताब लॉन्च करनी है जिसमें बाकी आइडियाज हैं सेम चीज मैं दोहरा नहीं रहा हूँ क्योंकि जितना मैं ग्रो हो रहा हूँ उतनी मैं वो चीजें देख रहा हूँ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की ही नहीं थी
मैं उनके बारे में लिखूंगा जो मैंने बचपन में देखा 2016 से देखा वो मैं जो डू प्लस फॉर गुड है उसमें लिखा है पर जो अब मैं पैंडेमिक देख रहा हूँ किस तरह से लोग बदल रहे वो नई किताब में आएगा। वंडरफुल। कल थोड़ी देर में हम सुनेंगे अब्दुल्ला की आवाज में उनकी कुछ पोएट्री, तो बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर, ध्वन बदल के तो देखो। मैं हूँ आरजे फारहुमा और आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीट्स, और आज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अब्दुल्ला बिन सुपैर एंड नाउ ही इज गोइंग टू रिसाइट अ पोएम फॉर अस। आखिरी में बिकॉज इट्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आई वुड रिक्वेस्ट अब्दुल्ला अगर आप अपनी ही कोई एक पोएम रिसाइट कर लें हमारे लिसनर्स के लिए इट विल बी। ओके सो ये वाली जो मेरी पोएम है ये मैंने लिखी है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। ओके ये मैंने जब मेरी किताब लॉन्च हुई थी उस वक्त मैंने अपनी स्पीच में भी यही पोएम थोड़ा सा डिसाइड किया था। पोएम का नाम है द पर्सन। ओके ये मैंने ये किताब में पब्लिश हुई है। सो आई एम लाइक द पर्सन हु चेंजेस हिज ड्रीम्स, आई एम लाइक द वन हु चेंजेस हिज डीड्स। I do fall a lot, I get up though, well fought. I give up, then I change my mind, I give it another try, then I'm not left behind. Beautiful, wonderful, and seriously to end the show with this poem is definitely beautiful, and I'm sure jitna positive lag raha hai aapka last note iska, I'm sure all the students and all the others listening right now would relate to this poem today. So Abdullah, it was wonderful having you on the show today, and happy Children's Day again. Thank you so much.